आज नारद जी मुख्य श्रोता बनकर के कथा को श्रवण करने तीन आसन बिछा दिए हे भक्ति माता। आप जहाँ कहीं भी हों तो आए और आकर के कथा को श्रवण करें। ये कथा आपके लिए ही हो रही है प्यारे। इसके बाद में अब नारद जी तो विरक्त है ना। भागवत के अनुसार नारद जी विरक्त है, अविवाहित है। लेकिन नारद पुराण में वर्णन आता है कि इनके एक नहीं अनेक विवाह हुए हैं। नारद पुराण में इसके बाद में प्यारे कहते हैं कि वैसे तो पत्नी का स्थान किस तरफ होता है? बामांगनी होती है ना, बाई तरफ। लेकिन जब पूजा पाठ यज्ञ जप तप आदि करें पत्नी के साथ में बैठ करके तो किस तरफ अधिकार हो जाता है? दाई तरफ। कहते हैं इधर नारद जी तो विरक्त है तो पत्नी कहां से लाना, तो अकेले ही बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं। अब प्यारे भक्तों धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। अरे सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं। मालूम है कहते हैं कुंभ जैसा वातावरण हो गया, हजारों की संख्या में लोग वहां आने लगे। और इसके बाद कहते हैं कि मालूम है भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों सहित आकर के विराजित हो गई, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं है। और सनत कुमार कह रहे हैं हे नारद जी अगर कोई जीवित व्यक्ति इस भागवत कथा को श्रवण करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मालूम है जो व्यक्ति जीवन भर दुष्ट दुराचारी रहा हो, दुष्ट रहा हो, अनाचारी रहा हो, पाप करता रहा हो और वो मर जाए, मरने के बाद यदि प्रेत बन जाए, उसके नाम पर ही यदि भागवत महापुराण करवाते हैं तो कहते हैं महाप्रेत की मुक्ति हो जाती है। बोले अच्छा ऐसी भागवत कथा है? अरे जीवित को तो तारती ही है। हाँ इसीलिए कहा गया है भगवान का नाम है तारने वाला। कि नाम है तेरा तारनहारा, कभी तेरा दर्शन हो सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। बताया कि प्रभु का नाम है तारने वाला, क्योंकि जिस समय भगवान इस धाम को छोड़ करके गोलोक धाम जा रहे थे तो उद्धव जी ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु आने वाले कलयुग के लोग तुम्हें किस रूप में पाएंगे, तो बताया उद्धव जी से कि सुनो कलयुग में केवल नाम ही महान रहेगा, हमने अपने नाम में समस्त शक्तियों को समाहित कर दिया है। जो व्यक्ति कर्म करेगा और नाम जप करते रहेगा तो भाव से बेड़ा पार हो जाएगा। गीता में भगवान ने उपदेश दिया है मानो सर्वथा पवित्र है, इसलिए कलयुग में नाम ही महान है। परमात्मा के नाम में समस्त शक्तियों को भगवान ने समाहित कर दिया है, इसलिए भगवान का नाम जिभ्या से 24 घंटा चलता रहे यही ध्यान लगाना है। बोले अच्छा
ऐसी भी कथा लोगों को तार देती है। बोले हाँ कि ये मानवा पाप कृतस्त तू सर्वदा सदा दुराचार ता क्रोधिग्निग्धा कुटिल सच कामिना सप्ताह यज्ञ निकलो पुनंति ते। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया हो, दुराचार परायण रहा हो, जिसकी मनोवृत्तियां जीवन भर क्रोध रूपी अग्नि में जलती रही हो, जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखने वाला हो, वो भी यदि कथा को श्रवण कर लेता है तो मालूम है भागवत भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। बोले अच्छा, आज नारद जी ने कहा कि प्रभु ये बताओ कि वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं ये बात नहीं समझा कि जो व्यक्ति प्रेत बन जाए, जीवन भर पाप करता रहा हो, और भागवत उसका कैसे उद्धार कर सकती है। तो आज कहते हैं सनत कुमारों ने कहा कि तुम भद्रा तटे पूर्वम भूतं मुक्तिमं यत्र वर्णा स्वधर्म रेण सत सत कर्म तत तत्परा। बताया कि सुनो नारद, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर, और मालूम है वहाँ सामूहिक जातियाँ निवास करती हैं, यानी सभी प्रकार के सभी समाज के लोग वहाँ पे निवास करते हैं। वहाँ एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव, और प्यारे ये कहते हैं कर्मकांड कराते हैं, लोगों के यहाँ जा जा करके पूजन पाठ करवाते हैं, और कहते हैं जजमानी करते थे, लेकिन मालूम है कहते हैं समय होता चला गया और इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ। तो पड़ोसियों ने कहा कि भैया सुनो पंडित जी, भई आप तो इतना पूजा पाठ करते हैं, हाँ नित्य प्रति ही भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी कमी रह गई कि भाई आपके घर में कोई बालक नहीं हुआ अभी तक। हाँ पड़ोसियों ने उलहना देना आरंभ किया, तो पंडित जी बेचारे थोड़ा मन मन का दुखी हो गया, और मालूम है कहते हैं जब मन दुखी हो गया तो कहने लगे क्या करें भैया, नित्य प्रति ही कहते हैं तुलसी को पानी देते हैं, गाय माता की सेवा करते हैं, लेकिन मालूम नहीं क्यों मेरे यहाँ, पता नहीं क्यों मेरे यहाँ अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ, मालूम है। इसके बाद में कहते हैं कि इधर बार बार जब उलहना देते हैं पड़ोसी कहते हैं, तो आज एक दिन पंडित जीवन में चले गए और मन में विचार किया कि जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा, तब तक वापस नहीं आऊंगा। सर पटकने लगे, सर पटकने लगे, और मालूम है सर पटक पटक कर वहां रुदन करने लगे। तो कहते हैं मार्ग से संत समाज भजन करते हुए जा रही थी, उन्होंने दूर से देखा पंडित जी को और मन में विचार किया कि ये तो कोई विद्वान मालूम पड़ता है, हम लोगों का जो चेहरा है ना जी, ये दर्पण होता है,
क्या दर्पण है, है ना। चेहरा व्यक्ति को एक दूसरे को बता देता है कि हम कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, कितने नेक हैं, कितने अच्छे हैं, है ना। चोरी करके आ रहे हैं कि डकैती डाल करके आ रहे हैं, है ना, कि बुराई करके आ रहे हैं कि चुगली खा करके आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं। चेहरा होता है ना, ये दर्पण है, और कितना खुश है कितना दुखी है ये भी बता देता है। जब हम दर्पण को उठाते हैं तो दर्पण में व्यक्ति अपने आप को देखता है, लेकिन सत्यता ये है कि व्यक्ति अपने आप को क्या दर्पण में देख पाता है। समझने की बात है, क्या व्यक्ति अपने आप को दर्पण में देख पाता है कभी कि असली में मेरा चेहरा क्या है। व्यक्ति दर्पण में देखता है तो अंधकार रूपी सौंदर्य को देखता है कि भैया मैं ठीक लग रहा हूं कि नहीं है। ना कुछ मिले तो फोन ही सही, फोन का कैमरा निकाला, फोन में ही देखते हैं कि हाँ सुंदर लग रहे हैं कि नहीं, क्यों जी है। व्यक्ति अपने सुंदरता को तो देखता है, लेकिन असलियत में यदि पूछा जाए तो ये जो बाहर की सुंदरता है वो हकीकत में नहीं है। व्यक्ति को अपने अंतर आत्मा की अंदर की सुंदरता को निहारना चाहिए, और अगर उसमें कमी है, जैसे हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं तो पता चलता है कि भाई काजल इधर से उधर लग गया, क्यों नहीं इसको ठीक कर लेना चाहिए। उसी प्रकार से बहुत अंदर की बात है, समझने की कोशिश कीजिए कि उसी प्रकार से दर्पण में देखना चाहिए कि मेरे अंदर अभी क्या चीज की कमी है, ऐसा क्या उसमें फिट करूं, ऐसा क्या लगाऊं, ऐसा कौन सा पाउडर लगाऊं जिसमें उस चीज में सुंदरता बढ़ जाए और मेरा कल्याण हो जाए और गोपित की प्राप्ति हो जाए और जन्म जन्म के बंधनों से मुक्ति मिल जाए। असलियत में तो उस सुंदरता को देखना चाहिए। आज पंडित जी ने प्यारे रुधन कर रहे थे तो संतों ने पंडित जी के चेहरे को दूर से ही देखकर आंक लिया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई विद्वान है। लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी बात है इसे बहुत परेशान कर रही है। जाकर के पास में पूछा, पंडित जी ये बताओ तुम देखने में तो विद्वान लगते हो, लेकिन आखिर कौन सी बात है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। अब पंडित जी कहने लगे, क्या बताऊं महात्मन, सर पटकने लगे और कहने लगे क्या बताऊं महात्मन, समय व्यतीत होता चला जा रहा है, पूजा पाठ जप तप ध्यान नियम संयम सभी करता हूँ, लेकिन अभी तक मेरे घर में एक पुत्र नहीं हुआ। अब बिना पुत्र के मालूम है मेरा जीवन बेकार है, क्यों, क्योंकि समाज के लोग अंधकार में डूबे हैं ना, उनको ये नहीं पता। लोग कहते हैं भैया इसका मुखड़ा मत देखियो, क्यों, क्योंकि ये तो बांज है, कहते हैं ना समाज के लोग, भैया सुबह सुबह से देख लेंगे तो दिन खराब हो जाएगा, मुंह मत देखना, है ना। समाज के लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, क्या करें, आप कृपा करो, कृपा करके आशीर्वाद मुझे दो, क्योंकि संतों के अधीन है परमात्मा। भगवान कहते हैं मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट में
गई। क्या? मैं अपने भक्तों को दास हूँ और मेरे भगत पता है मैं अपने भक्तन को अपने सर में इस प्रकार दुलार करके ऐसे बिठा कर रखता हूँ जैसे मैं अपना मुकुट लगाता। अब मेरे भक्त को कोई कुछ कहता है ना तो मालूम है भक्त तो सहन कर जाता है लेकिन चोट भगवान को लगती है। एक बार की बात है प्यारे, एक भगत जी थे है ना, एक भक्त थे और मालूम है कहते हैं वो बेचारा किसान था। ध्यान से सुनना है ना, ये बच्चों लोगों को स्थान दिलाया जाए और जो भक्त हमारे रोड में बैठकर कथा सुन रहे हैं वो कृपया प्रांगण में आकर कथा सुने तो बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि मालूम है कथा प्रांगण में बैठकर के ही सुनी जाती है तभी फल की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनना, सुख आसन में बैठकर के कथा को सुना जाता है। अगर कहते हैं बताया गया है भागवत में, हम नहीं कहते हैं, कहते हैं कि यदि भोजन आप, वैसे तो विद्वानों का मत है कि भागवत में नियम बताया जाएगा ना तो वर्णन आता है कि भागवत में केवल कहते हैं फलहार करके व्रत रह करके कथा को श्रवण करना चाहिए, लेकिन कहते हैं डोंगरे महाराज जी ने कहा कि भाई वो तो ठीक है व्रत कलयुग के लोग 7 दिन तक कैसे रख पाएंगे। तो बोले क्या कह करें, बताया कि ना कुछ तो दिन भर घी पी करके कथा को सुनना चाहिए। तो भाई संतों ने कहा कि अगर घी पी करके दिन भर कथा को सुनेंगे तो मालूम है भाई कलयुग के लोग इतना परिश्रम करते नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा अगर घी पी कर कथा सुनेंगे। तो बोले फिर क्या करना चाहिए, तो बताया कि दूध दलिया खाकर कथा को सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि हल्का